नमस्कार, स्वागत है आप सब दर्शकों का हमारे करम भूमि टीवी पर। और मैं मनीष कुमार आपके संग लगातार बना रहता हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको बताऊँ, आज के उर्दू आज मैं पहुँचा राज के संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में। ये काफ़ी लंबे समय से आप मेरे पीछे जन औषधि केंद्र देख सकते हैं, रेड क्रॉस समिति द्वारा संचालित किया गया था। वर्ष 2017 के बाद कोविड में आने के बाद पिछले 2.5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह जन औषधि केंद्र पिछले बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से यहाँ के जो मरीज जो आते हैं इनको बाहर से महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अधिकांश जो पहाड़ के जो हमारे स्वास्थ्य जो आसपास के जो हमारे गाँव के क्षेत्र हैं, जैसे कि गुमखाल हो गया, द्वारीखाल, दुगड्डा और लैंसिरोन और अरखनीखाल और बीरोखाल, अन्य जगहों से यहाँ पर से लोग अपने इलाज के लिए कोटद्वार पहुँचते हैं। मात्र एक राजकीय स्वयं चिकित्सालय में कई सारे गाँव इस जगह के बड़े बड़े दूर के शहर जो है वो डिपेंड रहते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर आने के बाद इनको महंगी दवाइयाँ यहाँ से लेनी पड़ती है। अगर यदि ये रेड क्रॉस समिति द्वारा जो संचालित जो पिछले जन औषधि केंद्र बनाया गया था, काफ़ी लंबे समय से बंद होने की वजह से ये यहाँ के लोगों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में बात में कि जो यहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती है इनमें काफ़ी मात्रा में छूट मिलती है, जिससे कि जो भारतीय दवाइयाँ होती है, अगर कहूँ मैं आपसे, तो कम से कम कई 50% से अधिक का जो डिस्काउंट होता है वो जन औषधि केंद्र से यहाँ पर दवाइयाँ मिल जाती है। और बाहर अगर इन दवाइयों को अगर लेंगे तो आपको महंगे से महंगी दवाइयों में लेना पड़ता है, जिससे कि कई सारे मरीजों को अपने जीव यहाँ पर ढीली करनी पड़ती है। और इसके साथ आप बने रहें, मैं मनीष कुमार करम टीवी के साथ। सावधान, इसका 4 दिन में भी निकल सकता है, 10-15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्रावली भेजी जा चुकी है। अब ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इसमें निर्णय लेना है कि जो 5 पात्र कैंडिडेट हैं जिनकी फाइल हमने आगे भी भेजी थी, उसमें किसको सेलेक्ट करके वो यहाँ भेजते हैं। अली अद्यतन है, इसकी पत्रावली भेजी जा चुकी है। अब वहाँ से जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पर निर्णय ले लिया जाएगा। उस कैंडिडेट को हम बुला लेंगे कि आप अपना चलाओ, आपने जो लिख के दिया है इसके आधार पर।